तो हाय गाइस, बोला कि बात करने वाले हैं, डे नंबर 35 चल रहा है भाई, वेड नसरे चल रहा है, कितना क्वेश्चन करती हुई हमें नजर आ सकती है आज। एंड साथ में बात करने वाले हैं क्या ट्यूजडे के मामले शोज इंक्रीज हुए हैं या फिर नहीं हुए। कल मैंने बताया था 5-6 शोज इंक्रीज होते हुए हमें नजर आ सकते हैं, 240 के आसपास 2D के और 3D के भी बात करने वाले, कितने इंक्रीज ड्रॉप देखने को मिला उसकी भी बात करने वाले हैं। एंड आज कितना क्वेश्चन कर सकती है, मैंने कल शाम को आप सभी को बताया था कि आज हमें क्वेश्चन है वो ड्रॉप देखने को मिल सकता है, तो क्या उतना ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। साथ में यस्टरडे की भी बात करते हैं, 34वें दिन का क्या हाल रहा। सबसे पहले गाइस, छोटे से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। देखो गाइस, मैं बात करूँ इसकी यस्टरडे की, यस्टरडे मैंने बोला था 11 से लेकर 12 नाइट की ऑक्युपेंसी थी, ओवरऑल देखूँ मैं कुछ ज़्यादा नहीं रही है, तो जस्ट आप 11:30 के आसपास ही ले लो, मैंने जितना बोला था इवन उतना ही ले लो आप। एंड ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करूँ गाइस, तो वो अभी निकल के सामने नहीं आई है, ना ही फ्राइडे, ना ही सैटरडे, ना ही संडे, ना ही मंडे एंड ना ही ट्यूजडे। और यहाँ पे मैं थर्सडे से पहले पहले बात करूँ, यानी फ्राइडे के पहले हुई थी, थर्सडे तक आई थी इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट, यानी कि 29 दिनों का इसका 90.25 डोमेस्टिक नेट और ग्रॉस बनता है 107.60 करोड़ और वर्ल्ड वाइड में 122.25 करोड़ इसका हो चुका था। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन बताई थी आप सभी को, अपने फ्राइडे की 8 लाख, उसके बाद बात करूँ यहाँ पे सैटरडे की 10 से लेकर 11, संडे 14 से लेकर 15, मंडे 9 से लेकर 10 और ट्यूजडे की मैंने बता दिया 11:30 के आसपास, जस्ट आप ले लो, बाकी देखते हैं जब इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट आती है तो कितना करती है। मैंने बताया था आप सभी को अगर आज के दिन नहीं आई तो फिर 7 दिन की एक बार, या मुझे लगता है कि थर्सडे को ही आएगी अब, यानी कि 2 मारो को आएगी। तो गाइज चलो ये हो गया सब कुछ, अब बात करते हैं गाइज इसकी आज की, यानी कि 2 डे की, डे नंबर 35 की, शोज कितने हैं इसके पास आज। देखो कल थे 231 शोज 2D के और ओवरऑल 9% थी और आज है 239 शोज। जी हाँ गाइस, शोज है वो आज हमें इंक्रीज देखने को मिले हैं, यानी कल की बात करें तो 8 शोज है वो आज इंक्रीज हुए। यानी देखो गाइस, तो मैं पोनियन सिल्वर जब सिनेमा घरों में आई थी तब इसके बाद 213 शोज थे, इवन 212 थे, 213 शोज, यानी एक शोज शाम के वक्त इंक्रीज़ हुआ था। तो तब से लेके अभी तक देखोगे आप तो शोज़ इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, 5, 6, 7 शो डे वाइज इंक्रीज़ हो रहे हैं। 2D की बात करूँ और यहाँ पे अगर मैं 3D पर नज़र डालूँ तो कल 75 शोज थे और आज है 74 शोज। जी हाँ गाइस, एक शोज है वो आई ड्रॉप हुआ है, कल 8, आज 8 है और कल 11% ऑक्युपेंसी थी। और मैंने कल ही शाम सभी को बता दिया था कि आज जो क्वेश्चन है वो हमें ड्रॉप होता हुआ नज़र आ सकता है, और ऑक्युपेंसी देखकर भी सामने दिख रहा है कि हाँ आज क्वेश्चन है वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी शोज की बात करूँ गाइस, तो देखो गाइस, थिएटर ऑक्युपेंसी अभी निकल के सामने नहीं आ रही है, जो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप मतलब सोच रहे होंगे कि ऑक्युपेंसी नहीं बता रहे हो आपकी मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग वगैरह कितनी है, तो वो शेयर नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं शोज़ पर नज़र डालू गाइस, तो मुंबई में आज 15 शोज़ हैं जो कि कल 13 थे, और वही मैं NCR पर नज़र डालू गाइस, तो NCR में आज टोटल शोज़ है लगभग 63, तो कल थे यहाँ पे 59। और पुणे की बात करूँ गाइस, तो आज 11 हैं, कल 10 थे। एंड बेंगलोर 5 हैं आज, कल 3 थे। उसके बाद अहमदाबाद 29 शोज़ आए, कल 26 थे। सूरत की बारू 11, कल 13 शोज़ थे, यहाँ पे ड्रॉप। जयपुर की बारू आज 15 है, कल 13 थे। उसके बाद लखनऊ की बारू गाइस, तो लखनऊ में आज 21 हैं और कल की बारू, कल यहाँ पे 22 शोज़ थे। और कानपुर के बारू आज 11, कल भी 11, आनंद 2, बाकी सेम ही हैं जितना ले लो आप, गांधीनगर 8 हैं, गोरखपुर 6, इंदौर की बारू गाइस तो आज 10 हैं, कल 9 थे। और राजकोट की बारू 3 शोज़ हैं, यानी शोज़ हैं मैंने बताया आपको कि ठीक ठाक दो 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 तीन तीन, तो हर प्लेसेस में इंक्रीज हुए ही हैं। बड़े बड़े सिटी की बात करूँ भाई, आज मुंबई की माको सिनेमा की बात करूँ, तो वहाँ पे आप 8:30 वाला शो देखोगे तो आप सभी के सामने ही हैं, तो अच्छे खासे टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हुए पड़े हैं। और मैंने बताया था आपको मुंबई में यही एकमात्र सिनेमा है जहाँ से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब बात करते हैं गाइस की शोज़ की, क्या शोज़ के आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकते हैं। देखो यस्ट में किसी का भाई किसी की जान की बात करूँ तो उसके पास 5,500 प्लस शोज़ हैं, और मूवी कितना सिंगल डे में कितना क्वेश्चन कर रही है, एक डेढ़ करोड़ के आसपास, यानी कि 1.30 के आसपास, यानी जितने उसको शोज़ मिले उतना क्वेश्चन अपोर्ड नहीं कर रही। अगर दूसरे पर नजर डालो पोनियन सिल्वन की, देखो पोनियन सिल्वन उसको लगभग 3500 के आसपास हिंदी में शोज़ मिले, एक द मूवी को हिंदी में 3500 के आसपास शोज़ मिले हैं। वो क्वेश्चन देखोगे उसका आप यस्ट सिंगल डे में 1 करोड़ के आसपास आ रहा है, अभी वर्किंग डेज की बात करूँ तो, यानी कि आप पिछले 4-5 दिन का क्वेश्चन उठा के देखोगे तो अभी 10 करोड़ भी उसका हिंदी का क्वेश्चन है वो नहीं हुआ है।
इसलिए क्लियरली पता चलता है कि आने वाले टाइम में पोनियन सेल्वन के जो शोज़ हैं वो ड्रॉप होते हुए हमें नज़र आ सकते हैं, यानी पोनियन सेल्वन में मुझे 2000 के आसपास शोज़ हैं वो ड्रॉप होते हुए हमें जल्द ही नज़र आएंगे। और ये शोज़ किसी के भाई किसी की जान को भी मिल सकते हैं, बोला को भी मिल सकते हैं, तू जुठी में मकार को भी मिल सकते हैं, और जो भी हिंदी मूवी चल रही है मुझे चांसेस देख रहे हैं उनको मिलने वाले हैं। इवन आप तो यहाँ पे देखोगे किसी का भाई किसी की जान, तो उसको उसके डे वाइज जो शोज़ हैं वो कम हो रहे हैं, 10-15 शोज़ हैं वो ड्रॉप होते ही जा रहे हैं। मैंने कल भी देखा था 15 शोज़ ड्रॉप हुए थे, उसके बाद आज भी शोज़ हैं वो उसके ड्रॉप हुए 15-20 शोज़, तो यानी उसके डे वाइज शोज़ गिर रहे हैं। यानी मैंने बताया उसको जितने शोज़ मिले उतना तो क्वेश्चन नहीं कर रही है, लेकिन पोनियन सेल्वन क्वेश्चन उसका जो शोज़ है वो गिरने से क्या पता उसको फिर से शोज़ वो इंक्रीज़ हो जाएँ, बट उसके शोज़ इंक्रीज़ करने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा। देखो पब्लिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, मुझे लगता है तू झूठे पे मकार को शोज़ दे दो अगर उसके शोज़ ड्रॉप होते हैं पोनियन सेल्वन के, तो उसके बाद भोला को शोज़ दे दो, उसके बाद जो भी अभी हिंदी मूवीज चल रही हैं अनदर उनको शोज़ दे दो, क्योंकि वो मूवीज़ अच्छा क्वेश्चन कर रही है। इवन आप जो तू झूठे पे मकार का देखोगे वो भी अभी 10-10, 8-8, 10-10 लाख अभी भी सिंगल डे में क्वेश्चन कर रही है। शोज के बाद केवल अभी 170 के आसपास शोज होंगे यस डब्बे के टाइम में, यानी अच्छे नंबर से निकल के सामने अगर उसको शोज मिलेंगे तो वो और उसके नंबर्स है वो और बढ़ेंगे, बोला को शोज मिलेंगे उसके और नंबर्स बढ़ेंगे। तो बाकी देखते हैं गाइस क्या होता है। बाकी पोनियन सेल्वन मुझे लगता है कि यस तो अभी फ्राइडे थर्सडे सैटरडे संडे तो शोज तो गिरने वाले हैं नहीं, गिरेंगे तो मंडे ट्यूजडे के आसपास ही गिरने वाले हैं। तो बाकी गाइस अभी के लिए तो इतना ही है, बाकी हम शाम में डिस्कस करते हैं इसके रिलेटेड कितनी ऑक्यूमेंट निकल के सामने आती है आफ्टरनून वगैरह जब ओवरऑल इसमें ऐड होगी, एंड साथ में 36वें दिन की बात करते हैं, यानी कि बात करेंगे कल टुमारो के रिलेटेड, यानी थर्सडे की बात करेंगे हमें ये कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ सकती है, शोज क्या कल टुमारो के लिए इंक्रीज होंगे या फिर नहीं होंगे उसकी बात करेंगे, एडवांस बुकिंग की भी बात करेंगे। तो उससे पहले आप सबसे छोटे से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से कर लो सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं इसके सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए।